भारत माता की, गौ माता की, सभी कार्यकर्ताओं की, सभी नेताओं की, दुमका भाव की बहुत बहुत धन्यवाद। आज सांसद विधानसभा के कार्यकर्ता यह बैठक में होकर विराजमान पार्टी का जन्म 40 साल थे। एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता रहे रूप में गांव चालू दिन 40 साल थे। भारतीय जनता पार्टी और किसान आई जिन्होंने वास्तविक सेवा की थी, धरती ऊपर सेवा की थी है और ईमानदारी थी। कौन कर बता रहे हो ऐसा अपरा लोकसभा का प्रत्याशी आदरणीय श्री मम्मा राम जी चौधरी साहब और 15 साल तक अपरे सांसद रहे। मैं अपनी आवाज उठाइए हक और बुलंद हमेशा बुलंद रखे एडा आदरणीय सांसद देवजी भाई पटेल। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही वरिष्ठ और अपना मार्गदर्शक रानीवाड़ा ना विधायक पूर्व विधायक आदरणीय नारायण सिंह जी देवल साहब जो अपना लोकसभा का संयोजक भी है। लोकसभा जो चुनाव में रहा उसमें आपका दिशा निर्देश में दे रहे विराजमान आदरणीय कोरा साहब जिन्होंने हमारा जोशीलो भाव साहब सुनी है हमारा बड़ा भाई है। और सब बड़ी खुशी की बात आया है कि हमारी बहन की जोड़ी जयपुर में भी प्रसिद्ध है। 4 साल से मैं एक रेखा हेलो कर रहा हूँ मैंने हर जगह मार्गदर्शन दिया आदरणीय बोरा साहब विराजमान आदरणीय विष्णु साहब अब जे फिर भी हमारा सब लोगों ने बहुत प्यार दी लोगों ने सब ने पीड़ा चरण दिया है कि हिरवी वाणा और पत्र लोगों ने हमारा सब दिया है। और शिविर जिला प्रमुख अपना सबरा बहुत ही अच्छा दोस्त आदरणीय अर्जुन जी पुरोहित अपना देवड़ा निवासी हमारे शिविर में भी काम करे और किसान मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय रंग सिंह जी राठौर विराजमान आदरणीय हेमरत भाई देसाई जो देसाई समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष है हाथे पार्टी का 40 साल की सेवा करे और सांसद विधानसभा में प्रभारी तरीके सभाओं ने हाथे में हेलवारी जाने विशेष जवाबदारी दी है एडा हेमरत भाई देसाई पार्टी का सांसद विधानसभा चुनाव वाली पूरी चिंता करे संयोजक रूप से काम करे और पूर्व जिला प्रमुख आदरणीय मनय सिंह जी गोयल साहब वे भी 40 साल थी पार्टी की अनवरित सेवा करें। आप सब जानो छे हाथों में मैं लक्ष्मीचंद जी चुनाव लड़ना चालू की तो हुआ जो पार्टी की अनवरित सेवा करें आदरणीय गोयल साहब विराजमान अपना प्रधान चित्रमणा आदरणीय हनुमान जी जो सह संयोजक तरीके पार्टी में काम करें अपना मंडल अध्यक्ष भाई रतन जी चौरा रामगोपाल जी अर्जुन सिंह जी उपमा राम जी अपने केशोरी जीतू सिंह जी और शंभु सिंह जी सब पार्टी का पदाधिकारी हाँ हजारी जी भाई सिलू जमाना मंडल में अपना कार्यक्रम ले रहे हैं सावड़ा राम जी माड़ी अधिक्रम थे जो चित्रमणा मंडल का अपना पहला भी अध्यक्ष था वर्तमान भी है पार्टी का सब जिला पदाधिकारी बिराजुड़ा सब पिता तुल्य बुजुर्ग माताओं बहनों युवा दोस्तों बात तो आप समझना जानो आज के टाइम में घड़े हमजा वाली आवश्यकता नहीं कारण के जो मोबाइल नंबर आज एक चीज है आज डबी है ये डबी हर आदमी ने नहीं ही होंगे तो मड़े ही काट देगा कोई बाकी है नहीं याद करवानी जरूर जरूर है और पे देखे भूला उधर पास याद करवाना टाइम आज की तारीख में आए हुए और पे आने वाली 26 तारीख के दिन भारत में सबों बड़ी बड़ी पंचायत और मतलब भारत में नहीं कहूँ जो विश्व जल पंचायत ने हम भारत बैठी है दुनिया देखे कि यह पंचायत रो निर्णय कौन पे उहारो कायो न कुवारो उहा पंचायत रो निर्णय करवारो टाइम 26 तारीख में आवे है और वह 26 तारीख रा निर्णय वास्ते ऑफिस सूचना खड़ा हुआ। आज दुनिया पूरी मने ये एक अपने आप में आश्चर्य भारत दुनिया में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है 143 करोड़ जनसंख्या भारत में हुई चाइना ने अभी लारे रखे हुए पढ़ाई में आज की तारीख में बहुत अच्छी है आर्थिक स्थिति भारत की बहुत बढ़िया है सब तरीका थी भारत और अपने दायित्व है और क्या क्या दायित्व है हजारों साल की गुलामी के बाद भारत स्वतंत्र देश तरीके अपने आप में मजबूत बनावे रहियो वो टाइम घड़े रहियो पूरी दुनिया देखे कि भारत का निर्णय भी अगर वहां पे सब जना भारतवासी वास्तव में अगर वहां पर हमज में होश में आवागाड़ी पेटी की चिंता में देश रो भविष्य उज्जवल बनाने में तो मोदी जी ने मजबूत करवाने कर्तव्य हो रहा है भैया के अगर खूब सारी चीजें भागती भी पर जो मोदी जी केवल भाषण में कह के पहला 5 साल तो कांग्रेस ने खाना भरो में गया लाला 5 साल हमने पाइयो भरियो है
અમે વાસ્તવ ને ભારતની બુલંદ ઇમારત બનાવવા આગલા પહોંચતા. અને ઇમારત ને બુલંદ કરવા વાસ્તે જો પ્રતિનિધિ રૂપે જો મોદીજીને શક્તિ દેવા રૂપે એક સાંસદ ની હેસિયત તરીકે આપણા સમયની બોટોની કાઉન્ટિંગ કરવા વાસ્તે લુંબા રામજીને ઉઠાતે મોદીજી ભેજ્યા હે કે આ જાબરોર સિરોઈ ઓર સાંચોર જિલ્લાના જતરા ભી આપણા મતદાતા હે સમયને નિવેદન કરે મારા સમર્થનમાં લોકોના જતરા મંત્ર દિલ્હી લઈને આવો અમે આપણા સમયને એ મત ભેળા કરીને દેના એ મત જતરા આપણે ભેળા કરીને દયા અત્રે લોકજીની તાકાત વધી ઓર મોદીજીની ભી તાકાત વધી શક્તિ કેન્દ્ર સંયોજકે શક્તિ કેન્દ્ર પ્રભારી મંડળના પદાધિકારી મંડળના અધ્યક્ષ જિલ્લાના પદાધિકારી આટલા ઉપર આપીએ હવે અમે ક્યારેય વાત નહીં જોઈ આજની તારીખમાં આપણો એક જ કર્તવ્ય હે કે પ્રત્યેક મતદાતાને ઘરે જઈને આપણે નિવેદન કરવું પ્રત્યેક મતદાતાને કહેવાય કે ભાઈ મોદીજી મને ભેજ્યા હે અને મોદીજી આપણે હંમેશા આપણી સેવા કીધી હે પણ મોદીજી કેવળ ઓર કેવળ એક અપેક્ષા આપતી રાખે હે કે આપણો મતદાન મોદીજીને પક્ષમાં રહે ભારતીય જનતા પાર્ટીને પક્ષમાં રહે આ નિવેદન કરવા આપણે